आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम। प्यारे मित्रों, जय श्री राम, जय माता दी। मित्रों, आज आपसे चर्चा करते हैं 20 अक्टूबर 2024 को करवा चौथ का पावन पर्व है, जो कि कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का पावन व्रत मनाया जाता है। इस दिन हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जो सौभाग्यवती स्त्रियाँ महिलाएँ अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत करती हैं, उनको कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। सर्वप्रथम तो उनको 16 प्रकार के जो श्रृंगार हैं, 16 श्रृंगार, उन श्रृंगारों को धारण करना चाहिए। हाथ में मेहंदी लगानी चाहिए, पैरों में रंग लगाना चाहिए, बिछुए पाजेब धारण करनी चाहिए, मांग में सिंदूर लगाना चाहिए, मस्तक पे बिंदी लगानी चाहिए, और इस तरह से जितने भी श्रृंगार होते हैं सभी श्रृंगारों को उनको धारण करना चाहिए। इसके साथ साथ में ही अगर आपसे जो श्रृंगार कर रहे हैं वो श्रृंगार का सामग्री आपका बच गया है तो उसको सुरक्षित रखिए, इधर उधर कूड़े में आपको नहीं फेंकना है। एक बात और आपको बताएं कि करवा चौथ का जिस दिन पूजन है उस दिन मांगलिक यदि आपके ब्याह में गया हुआ कोई कपड़ा है तो आप उसको अपने साथ में रखिएगा, और यदि नहीं है तो लाल कलर का कोई भी वस्त्र है, चुन्नी है, इस तरह से आप पूजा करते समय जरूर धारण करके रखिएगा। और इसके साथ ही आपको आज के दिन किसी को अपशब्द वाक्यों का प्रयोग नहीं करना है, किसी को गलत नहीं कहना है, किसी ऐसा नहीं करना है कि किसी के हृदय में कष्ट हो, वेदना हो, पीड़ा हो, ऐसे कोई भी वाक्य आपको नहीं बोलने। सूर्योदय से पहले आपको उठ जाना है, और सूर्य उदय से पहले ही उठ करके एक सर्गी होती है वो खाई जाती है। अगर आपके यहाँ पे ये प्रथा है तो आप उसको प्रथा को अपनाइएगा, और नहीं है तो जैसा भी आपके यहाँ प्रथा उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। आज के दिन आपको काले कपड़े और पूरी तरह से सफ़ेद कपड़े पहनने से बचना चाहिए, और इसके साथ साथ ही इस दौरान जो पति देव आपके घर पर दूर हैं, कहीं घर पर नहीं हैं, तो आप व्रत को कैसे करें तो आप उनसे वीडियो कॉल पे बात करिएगा, और वीडियो कॉल पे बात करने के बाद में आप अपने व्रत को खोलिएगा। इसके साथ ही आज के दिन आपको कथा भी सुननी है, जो करवा माता की कथा होती है उस कथा को भी सुनना है, चंद्रमा को अर्घ भी देना है, और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद में आपको अपने व्रत को खोलना है। तो इस तरह से आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये मैंने आपको बताएं। यदि चाहते हैं अधिक जानकारी तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। पुनः मिलूंगा एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी, जय माँ गंगे।